गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब हम ऑफिस से अपने काम से थक हार के घर आते हैं तो हमारा डिनर बनाने का, कुकिंग कुक करने का कोई भी मन नहीं होता, और ऐसी सिचुएशन में पूरे दिन की चली हुई हमारी डाइट रात को स्विच कर जाती है स्विगी और जोमैटो के कुछ ना कुछ हेल्दी ऑप्शंस में। या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको रात को ऐसा होता है कि कितना हम सलाद खा लेंगे, कितना सूप पी लेंगे, आज कुछ और खाने का मन है। वो मन मन के चक्कर में हमारा मन इतना पापी है, हमसे इतना पाप करा जाता है कि ऐसे मन के चक्कर में हम बहुत सारी चीटिंग कर लेते हैं और हमको ऐसा लगता है कि एक दिन के करने से कुछ नहीं होता। सेकेंड इज, कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना दिन बिताते हैं और रात को आते हैं तो वो बड़े ज़्यादा एग्रेशन में रहते हैं और वो स्विच कर जाते हैं कुछ मीठा मिल जाए तो हमारा जो गुस्सा है या हमारा जो स्ट्रेस है वो शांत हो जाए। ऑफकोर्स मीठा बहुत कुछ काम करता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आलस होते हैं, यार कौन किचन में जाए, कौन अभी प्रेशर कुक कर रखे, कौन खाना बनाए और कौन खाना खाए, भूखे ही सो जाते हैं। सो इस टाइप के लोगों के लिए मेरे पास एक बड़ी प्यारी रेसिपी है। ये हम डेली नहीं लेंगे बट कुछ दिन तो आप डेफिनेटली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो एंड उसकी हेल्प से आपका जो डिनर कहते हैं ना स्किप करने का, डिनर बाहर से ऑर्डर करने का जो ये मूड बनता है वो सॉल्व हो जाएगा। ये जो डिनर की रेसिपी है ये है केक। हम घर पे ही बनाएंगे वेट लॉस के केक, टू टाइप ऑफ केक्स एंड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स बन जाएगा। जिन जिन लोगों के पास अवन है वो अवन में कुक करेंगे, जिन जिन लोगों के पास अवन नहीं है वो प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। जब मेरे पास अवन नहीं था मैं प्रेशर कुकर में बनाती थी। मैं दोनों के मेथड्स आपको दिखाऊंगी, दोनों रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ हैं, बहुत ही यमी हैं। रात को आप 2 से 3 स्लाइसेस अपने केक के लीजिए, अवन में गर्म कीजिए, खाइए और कम से कम आप हेल्दी चीज़ खा रहे हैं, आपकी बॉडी में एक हेल्दी चीज़ जा रही है, फिलिंग चीज़ जा रही है। घर के बेसिक अच्छे इंग्रेडिएंट से ये केक बना हुआ है एंड ये आपकी क्रेविंग किल करेगा, मूड अच्छा करेगा, आपको भटकने नहीं देगा, आपके मन की नहीं चलने देगी ये रेसिपीज़ एंड सबसे अच्छी बात है आपकी डाइट में चीटिंग नहीं होने देगी, आप कुछ अनहेल्दी अपनी बॉडी में नहीं डाल रहे। एंड सबसे बड़ी चीज़, ये जो केक है ये बहुत ही इजी है बनाना। आपका बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, आपको पता है आपके पास आने वाले दिनों में कुकिंग का टाइम नहीं होगा, डिनर में स्पेशली आप ये केक बना के एक हफ्ते के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। घर आया, फटाफट स्लाइस करा, तवे पे गरम करा या अवन में गरम करा, अपना माइक्रोवेव में बटन चलाया और खा लिया। उसके अलावा मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका कहीं ट्रैवल है, आप एक वीक के लिए बना के अपना लेके जाओ इसको और आप उसको तब भी यूज़ कर सकते हो, बड़ी इजी। कहीं पे भी रहोगे फ्रेश तो होगा ही, मेरे कितने मेंबर्स हैं सब जाते हैं कहीं ना कहीं ट्रैवल करने, तो मैं उनको ये बता देती हूँ ये केक ले जाओ जी, ये ईजी रहेगा, इसको कैरी कर लो, डिनर में खा लेना। नेक्स्ट, ये रेसिपीज है कैसी और कैसे बनानी है, चलते हैं किचन में। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी जितना रागी का आटा। नेक्स्ट, इसके अंदर मेरे पास है 1 कटोरी जितना कोको पाउडर, ये विदाउट शुगर वाला कोको पाउडर है, मार्केट में बहुत इजीली मिलता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास है बेकिंग पाउडर, ये मैंने लिया है बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, और तीनों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर। परफेक्ट। नेक्स्ट, दूसरे बाउल में यहाँ पे मेरे पास है 2 कड़छी जितना पानी, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मेरा जैगरी पाउडर, रॉ जैगरी भी आप लेके इसमें मिक्स कर सकते हो, 3 चम्मच जितना मैंने इसमें जैगरी पाउडर डाला, खूब अच्छे से मैंने इसको मिक्स करा। नेक्स्ट, इसी के अंदर अब मैं डाल दूँगी ऑयल, 2 चम्मच जितना ऑयल, ये मैंने कोकोनट ऑयल यहाँ पे डाला है, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ये रहा मेरा केक, इसके अंदर मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। ये रेडी हो गया है। इसका बनाने का 2 ऑप्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ, हर किसी को पता है ये माइक्रोवेव और अवन में तो बन ही जाएगा और प्रेशर कुकर में भी, बट अगर आपके पास बड़ा प्रेशर कुकर नहीं है इसको बनाने के लिए तो अब हम इसको बना के दिखाएंगे आपको इडली मेकर में। तो ये रहा मेरे पास इडली मेकर, ये हर किसी के घर पे होता है। यहाँ पर मैंने लगा दिया घी और अब मिक्सर को इसमें डालूंगी।
नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं बनाना एंड ओट्स केक। ये रहा मेरे पास बनाना, दो मुझे बनाना चाहिए एंड ये जो चाहिए मुझे अच्छे से पके हुए चाहिए, कच्चे केले यूज़ नहीं करेंगे हम इस रेसिपी में। नेक्स्ट इसको खूब अच्छे से हम मैश करेंगे। ओके, इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारे ओट्स। नेक्स्ट इसके अंदर मुझे चाहिए एक करछी जितना रागी का आटा। खूब अच्छे से इनको हम मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी बेकिंग पाउडर एंड 2 स्पून जितना ऑयल, और ये मेरे पास कोकोनट ऑयल है। इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे डेट्स, 3 से 4 खजूर मैंने कट करके रखे हैं, और मैं इसके अंदर कुछ भी मीठा ऐड नहीं कर रही। इसके अलावा कुछ भी और मीठा इसमें अब नहीं जाएगा। इसमें हम लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा घी। ओके जी, यहाँ पे मेरा जो इडली की कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। ये गई पहली लेयर हमारी ओट्स बनाना एंड रागी केक की। नेक्स्ट ये लेयर है हमारी रागी एंड कोको पाउडर केक की। सो अब हम इसे पकने देंगे अच्छे से 10 मिनट के लिए तेज आंच पर। अभी नहीं पका, अभी कच्चा, अभी इसको पकने दो। ये तो बहुत ही यम्मी बना है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये देख के बहुत अच्छा बना है, इसको ठंडा होने देंगे अब हम। ओके जी, सो अब हो गए हैं ये बिल्कुल ठंडे। सबसे पहले हम निकालेंगे ओट्स एंड बनाना। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं हमारा, ओह नाइस, सो ये रहा हमारा डिनर। एक बारी में पर पर्सन 2 to 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं एंड इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो फॉर एटलीस्ट 7 डेज के लिए। एंड ये रहा आपका डिनर। मेरा तो कोटा बन गया 1 वीक का। कमेंट करके बताना कि इस रेसिपी से किन किन लोगों की डिनर स्किप करने की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है। सो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ जो कि आपकी वेट लॉस जर्नी को ईजी और स्मूथ बनाए, रैदर दैन कि आपकी पूरी जर्नी बड़ी हॉश पॉश रहे, डिफिकल्ट रहे, क्रिटिकल रहे और किच किच के जर्नी नहीं निकालनी। कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी हम करेंगे, कुछ कुछ बहुत ही कड़वी चीज़ें भी हम करेंगे, कुछ कुछ टेस्टलेस चीज़ें भी हम करेंगे, बट अच्छी भी करेंगे। सो यार दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।